मैं चिंता क्यों करूं, उसे चिंता हमारी है, हमारे प्राण के रक्षक हमारे यादव वंशी चक्रधारी हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर दिनेश एकलव, एकलव विद्याग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिसने बचपन जिया तो ऐसे जिया कि जैसे हर माँ अपने बच्चे को कान्हा कहती है, जवानी जी तो ऐसे जी कि इश्क में पागल हर लड़के को गांव में गली के लोग ये कहते हैं कि बड़ा कन्हैया बना फिरता है। युद्ध रचाया ऐसा कि पांच निर्वासित बच्चों को लेकर, पांच निर्वासित युवकों को लेकर सबसे बड़ा यक्षिणी सेना पर विजय दिलाई, और जिसने गीता ज्ञान ऐसा दिया कि जिस पर सैकड़ों नोबेल पुरस्कार कुर्बान किया जा सके। सृष्टि का सारा अंधकार अगर प्रकाश में बदल जाए, सृष्टि का सारा अज्ञान अगर ज्ञान में बदल जाए, सृष्टि का सारा अंधकार, सारा निराशा अगर आशा में बदल जाए, तो जिस परम पूज्य ज्योतिर्मय मनुष्य का निर्माण होता है वह है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। राम से आगे की यात्रा है श्री कृष्ण। राम के जीवन में अर्थ है, श्री कृष्ण के जीवन में रस है। राम के दुख ने विश्व को बांधा है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। परंतु कृष्ण के आनंद ने विश्व को बांधा है, गोकुल के गलियों में बांसुरी बजाते हैं तो बरसाने के मधुवन में राधा के साथ रास रचाते हैं। श्री कृष्ण सृष्टि के स्वामी होते हुए भी माँ यशोदा से मार खाते हैं, माखन चुराते हैं। श्री कृष्ण अपने अत्यंत पीड़ा में भी मुस्कुराते रहते हैं। जब महाभारत के युद्ध में जब गांधारी अपने 100 पुत्रों के मरने के कारण श्री कृष्ण से कहती है, श्री कृष्ण से कहती है कि आप ही इसके कारण हैं, और उन्हें साफ देती है कि जिस तरह से मेरी कोख उजड़ गई है उसी तरह से तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा और तुम अकाल मृत्यु के शिकार हो जाओगे। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, फिर भी वह गांधारी को मां कहती है और उसके साप को स्वीकार करती है। वे चाहते तो गांधारी के साप उसे छू भी नहीं सकता था, लेकिन वह उस साप को सहज स्वीकार करते हैं। आस्था लेते हो तुम तो अनास्था लेगा कौन। किसी को अकेले एकतरफा प्यार करते रहना कितना बड़ी मुश्किल है, सोच कर देखिए। दुनिया में किसी भी एकतरफा प्यार को पाने में थोड़ी सी तो गुंजाइश है, लेकिन ऐसा हो कि 0% भी नहीं हो किसी को पाने में, जीते जी मिलने की कोई आशा ही ना हो। इस धरती पर मीरा का भी कृष्ण के प्रति प्यार इसी तरह का प्यार है, जिसका कृष्ण के प्रति प्यार अमरता का एक जीता जागता निशानी है। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कौन कोई, घायल के गति घायल जाने जो कोई घायल होए। मीरा मेवाड़ राजवंश की बहू थी, वह बचपन से ही श्री कृष्ण से प्यार करती थी और वो उससे अपना मानती थी। बहुत कुछ करने के बाद भी वह उन्हें छोड़ नहीं पाई और वो विष का प्याला लेकर मरना स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनका प्यार कुछ भी कम न हुआ। नस नस में बिजुरिया थिरक गई रे, प्रेम इतना भरा मैं छलक गई रे, प्रेम इतना भरा मैं छलक गई रे, चढ़ती नदियां कभी बस में होती नहीं, जाग जाए अगर प्रीत तो सोती नहीं। सौ भवर लांग कर मेरे पग चल पड़े, भवे तन तन गई मानो वो बल खा गई। घोर संकट में है आज मर्यादाएं, मेरे सर से चुनरिया सरक गई रे, नैन जुड़ते ही सिद्धांत टूटे मेरे, हो गए मान अभिमान झूठे मेरे।
लाओ मेरे लिए विष का प्याला भरो, लाओ मेरे लिए विष का प्याला भरो, प्रेम अपराध है तो उसे क्षमा ना करो। लाओ मेरे लिए विष का प्याला भरो, प्रेम अपराध है तो उसे क्षमा ना करो। छुटकर फिर करूंगी ये अपराध मैं, खुल गए हाथ मैं झिझक गई रे, तन पे मेरे हुए नैनों की छाप, कौन सोचे ये पुण्य है कि पाप है, था भटकना मैं भटक गई रे। ये कहां धर्म ग्रंथों को एहसास है, ये कहां धर्म ग्रंथों को एहसास है, गहरी पाताल से हृदय की प्यास है, प्रेम इतना भरा मैं छलक गई रे, प्रेम इतना भरा मैं छलक गई रे। जब राष्ट्र धर्म ने आवाज दी तो सब कुछ छोड़कर राष्ट्र धर्म में वे लग जाते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जाते हैं। श्री कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे धर्म ध्वज रक्षक, पांडवों को हस्तिनापुर लौटा दीजिए, अगर ये भी नहीं दे सकते तो उसे 5 ग्राम दे दीजिए, 5 गांव दे दीजिए। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम इसी में खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भी संहुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हे दुर्योधन बांध मुझे, हे दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में बिलिंग झंकार देख, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, दृघो तो अदृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र देख, भूगोल अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों की पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। मृतकों की पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। सब जन मुझी में पाते हैं, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुन को साध न सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। हित बचन न तूने माना, मैत्री मूल का मूल न पहचाना, तो अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या की मरण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।